हे गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। इतने दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे। और मतलब आप सभी को मैं बोलना चाहता हूँ थैंक यू सो मच, क्योंकि मतलब 5K कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, है ना, सब्सक्राइबर्स। और बहुत मतलब अच्छा लग रहा है मुझे, है ना। तो आज मैं Q&A वीडियो कर रहा हूँ, जो मैंने मतलब रखा था, मैंने पोल रखा था इंस्टाग्राम पे एंड यूट्यूब पे। पहले मैं इंस्टाग्राम के पढ़ लेता, ठीक है, चलो। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सर आपकी कौन सी क्लास पसंद है, 9th या एंड ऑफ हुई 10th? तो मुझे पसंद तो सब है ना, और मतलब सब क्लास के पसंद है, लेकिन पूछा है 9th या 10th, इन दोनों में से कौन से। तो जब भी सेंड अप हुई 10th तो वो मेरे को पसंद थी, उनके साथ ज़्यादा मेरा कनेक्शन था, तो इसीलिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, डोंट टेक माई नेम, वाई यू आर सो क्यूट? मैं इतना भी खास नहीं। क्यूट हो नहीं, यू क्यूट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कीप इट अप, डोंट गिव अप एंड गॉड ब्लेस यू। तो थैंक यू सो मच, है ना कृष्णा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर अगर हमें अच्छा डांसर बनना होगा तो क्या करना ज़रूरी है एंड विच एक्सरसाइज वी हैव टू डू? सो ये अच्छा सवाल था। तो अगर आपको अच्छा डांसर बनना है तो सबसे पहले यही कहना चाहता हूँ कि आप मेहनत बहुत करिए ना, मेहनत सबसे इम्पोर्टेंट वही है, मेहनत, ठीक है। स्ट्रगल बहुत करना पड़ेगा आपको, है ना, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट मिल जाएगा। अब वो किस्मत के ऊपर रहेगा कि मिल जाएगा डायरेक्ट, लेकिन आपको ना अगर डांसर बनना है ना, तो आप लोग मेहनत कीजिए, एफर्ट डालिए ना। आपको YouTube में एक्सरसाइज बहुत सारे मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं ना एक्सरसाइज डांस के रिलेटेड। तो ये है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सर आपको 2024 में मिला सबसे प्यारा और पसंदीदा 3 गिफ्ट कौन से और वो किसने दिए? सो एक ग्रीटिंग कार्ड है जो मेरे को बहुत अच्छा लगा, है ना, तो मेरे स्टूडेंट ने दिया था, है ना। मतलब एक्चुअली तो मतलब कहूँ तो स्टूडेंट ने ही मुझे गिफ्ट दिया इस साल, मतलब है ना ज़्यादा। तो गिफ्ट कहाँ गए, तो बैंक में दिखाता हूँ। सो गाइस, ये देखिए, ये एक मेरे को गिफ्ट दिया है ना, मेरे बर्थडे के टाइम दिया था गिफ्ट, तो ये मेरी स्टूडेंट ने दिया था, गीतांजलि ने दिया था, तो थैंक यू सो मच देने के लिए। ये बहुत प्यारा सा है, देखो थोड़ा लेकिन लड़की जैसा, बट कोई नहीं, अच्छा लगता है। मैं पहनता नहीं हुआ ना, क्योंकि गंदा हो जाएगा, तो इसलिए मैं ऐसे संभाल के रखता हूँ। और ये दूसरा गिफ्ट जो मैंने खुद को दिया, आपने आपको दिया था, ये गिफ्ट डेविल आया, तो बहुत अच्छा लगता है। चलो आप पहन लेता हूँ, मैं यही पहन लेता हूँ अभी। देखो चौथा गिफ्ट ये है जो मतलब ग्रीटिंग कार्ड दिया था, मेरे को इतना अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे चिपका। सो इतने गिफ्ट है ना जो मुझे बहुत अच्छे लगे थे गिफ्ट, सो थैंक यू सो मच ये सब देने के लिए ना, बहुत प्यारे थे गिफ्ट, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि करेंट GF एंड एक्स नेम, ऐसे सवाल पूछते तुम लोग यार, थोड़ा अच्छा सवाल पूछो, ये क्या है एक्स बिक्स बिक्स। सो मेरी मतलब एक्स है, बट उसका नाम नहीं ले सकता मैं, है ना, तो अभी हो गया वो बात, रात की बात गई। तो करेंट GF भी है मेरी, बट मैं नाम नहीं ले सकता उसका, आएगा वो दिन जब मैं उसको रिवील करूँगा, है ना। तो टाइम है उसको बहुत, है ना, पहला मैं अभी थोड़ा करियर में फोकस करूँ, देन उसके बाद, है ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सर आप अच्छा गाते हो और गिटार भी अच्छा बजाते हो, एक बार हो जाए प्लीज़। ऑनेस्टली कहूँ तो, है ना, मैंने बहुत दिन हो गए मैंने बजाया नहीं गिटार, है ना, बहुत दिन हो गए, तो पता नहीं अच्छा बजाऊंगा कि नहीं, बट फिर भी मैं ट्राई करता, है ना। सो गाइस, तो अभी बजाता हूँ मैं, बट मेरे को थोड़ा थोड़ा आता, ज़्यादा परफेक्ट तो नहीं आता, है ना। दिल का ही क्या राज है, जाने क्या कर क्यों, कम वक्त इनसे भी खूबसूरत तू, आई लव यू। जो अभी रिसेंटली जो फेमस हुआ था गाना, हुस्न गाना है ना, मेरा आवाज अच्छा नहीं, मैं पहले ही देखो, मैं पहले बता रहा हूँ कि मेरे को अच्छा आता नहीं, बट फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ ना, तो ऐसी कमेंट में मत बोल देना कि अरे इतना भंगार कौन गा रहा है करके, तो मत बोलना, तो ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ ना। देखो देखो कैसी बातें यहाँ की, है साथ पर है साथ ना भी, क्या इतनी आसान है, देखो देखो जैसे मेरे यादें बस
पिघल जाऊं हाँ, अब ऐसा ना करो के दिल जुड़ ना पाए वापिस, तेरी बातों से बिखर जाऊं हाँ। माना जमाना है दीवाना, इसीलिए तूने न जाना तेरे लिए मैं काफी हूँ। देखो देखो ये जमाने से थक कर आते हो क्यों मासूम बन कर, तेरे लिए मैं क्या आई हूँ फिर आते क्यों यहाँ, करने आंखों में वो बारिश अब आए तो ठहर जाओ ना, और पूछो ना जरा मेरे दिन के बारे में भी, बस इतनी सी संभल जाओ हाँ। एक दिन अच्छा नहीं गाना है ना, मतलब गला अच्छा नहीं, बट फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। सो कैसा लगा वो बता देना ना, गंदा लगा तो प्लीज़ कमेंट मत करना, ठीक है? अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कर देना। तो इंस्टाग्राम के क्वेश्चंस ख़त्म हो चुके, तो अभी हम यूट्यूब के क्वेश्चन पे पढ़ते, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन ये है, प्लीज़ स्पीक माई क्वेश्चन, आपकी एज, आपकी फेवरेट सॉन्ग। तो मेरी एज अभी 20 है ना, 20 कम्प्लीट हुआ अभी जस्ट रिसेंटली, मार्च में 20 कम्प्लीट हुआ। मेरी फेवरेट सॉन्ग तो बहुत सारे, मतलब एक तेरा चेहरा गाना सुना आपने जो सनम तेरी कसम मूवी में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो गाना। आशिकी 2 में गाना है हम मर जाएंगे, तो वो भी अच्छा लगता है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, तो वो गाना। तो ये सब थे गाने जो मेरे को अच्छे लगते बहुत। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, प्लीज़ स्पीक माई क्वेश्चन, वेयर डू यू लिव, डू यू हैव सिबलिंग? सो मैं रहता हूँ पुणे में, पिंपरी चिंचौड़, पुणे के अंदर जो पिंपरी चिंचौड़ है PCMC, तो वहाँ पे रहता हूँ, है ना? हाँ, मेरी मतलब है सिबलिंग्स है मेरी, मुझे दो सिस्टर है, एक बड़ी दीदी है और एक छोटी है बहन। हम फैमिली में 5 मेम्बर्स, मम्मी डैडी और मेरी बड़ी बहन और मेरी छोटी बहन और मैं, तो हम 5 मेम्बर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाउ डू यू गेट मोटिवेटेड डेली? ऑनेस्टली कहूँ तो मतलब मैं बहुत डिमोटिवेट होता हूँ, इतना डिमोटिवेट रहता हूँ ना मैं बोल नहीं सकता, लोग परेशान हो जाएंगे ना अगर मैं कहूँगा तो उनको, मैं कितना डिमोटिवेट रहता हूँ। तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि डिमोटिवेट हो रहे हो तो अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करो, अपने फैमिलीज में जो है उनको शेयर करो, है ना? फ्रेंड्स, मेरे फैमिली, मतलब बहुत सारे जो मुझे मोटिवेट करते रहते हैं ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट एक्सपीरियंस डू यू हैव इन द फील्ड ऑफ डांस? तो एक्सपीरियंस तो मतलब मुझे 3-4 साल का एक्सपीरियंस है ना डांस में, मतलब ऐसा नहीं कह सकता कि प्रोफेशनल हूँ मैं, अभी भी मतलब एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी मैं अभी और एक्सपीरियंस ले रहा हूँ और एक्सप्लोर कर रहा हूँ ना लोगों को देख के, है ना? वैसे तो मैं सब स्टाइल करता हूँ बट मेरा लिरिकल कंटेंट है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और क्लासेस भी लेता हूँ मैं, है ना? जितना मुझे नॉलेज है उतना नॉलेज मैं स्टूडेंट को भी देता हूँ, है ना? तो यही है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस विथ टीचिंग? तो सच्ची में जो टीचिंग करते हम डांस में वो बहुत मुश्किल होता है, मतलब मुश्किल मतलब अच्छा भी होता है, इजी भी होता है, सिंपल भी होता है, बट जो छोटे छोटे बच्चे उनको संभालना बहुत मुश्किल होता है, उनको टीचिंग कराना बहुत मुश्किल होता है ना, लेकिन फिर भी मतलब बहुत अच्छा लगता है उनको सिखाने में ना, और जो बड़े लोग हैं उनको सिखाने में मतलब अच्छा लगता है ना। डांस क्लास ले रहा हूँ मैं, उसमें भी बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, है ना? तो बस ये एक्सपीरियंस मेरा। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ अमेजिंग पार्ट ऑफ योर लाइफ? तो अमेजिंग पार्ट मेरा ये है चाइल्डहुड, जो मेरा चाइल्डहुड था, मतलब जो मेरा बचपना था, मतलब बचपने में मतलब कुछ टेंशन ही नहीं, मतलब मस्त खेलो घूमो मस्त वो रहता, मतलब टेंशन नहीं रहता लाइफ में ना, लाइफ में कि क्या चल रहा है कुछ नहीं, जाओ खेलो क्रिकेट विकेट पकड़म पकड़ी सब खेलो मजे मजे, तो ऐसा था बचपन के टाइम, तो वो ज़्यादा टेंशन नहीं था। तो फोर्थ क्वेश्चन, सर आपको जेम्स स्कूल में का अमेजिंग पार्ट कौन सा? ओके, मतलब जो मैं अभी स्कूल में सिखा रहा हूँ गीता माता स्कूल में, तो वहाँ के स्कूल में सबसे अमेजिंग पार्ट मेरा कौन सा था? सो मेरा अमेजिंग पार्ट ये था वहाँ पे जो एनुअल डे हुआ था,
रिसेंटली जो एनुअल डे हुआ था ना, जो ड्रामा था मैंने ही मतलब सेट किया था, जो कोरियोग्राफी मैंने अकेले ने सेट किया था ना, बहुत सारे लोग को है ना, तो बहुत अच्छा लगा। और जो प्रिंसिपल मैम है उन्होंने भी मेरे को बहुत अप्रिशिएट किया ना, वो तो ड्रामा देख के मतलब थोड़ा इमोशनल हो गए थे, तो मतलब मेरे लिए बहुत अमेजिंग मतलब मूवमेंट था वो, मतलब बहुत प्राउड मूवमेंट था ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था वो पार्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कैन यू प्लीज टॉक अबाउट एनी एक्साइटिंग फ्यूचर प्लान इन योर डांस करियर। अभी मैं बहुत सारे यूनिक मतलब ट्राई कर रहा हूँ, अभी जैसे यूट्यूब में मैं थोड़ा स्टोरी डांस डालने ट्राई कर रहा हूँ, कोवर डांस डाल रहा हूँ, थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ, मतलब यूनिक यूनिक ट्राई कर रहा हूँ। आप लोग मुझे बताओ है ना मैं क्या करूँ करके ना। और मेरे फ्यूचर प्लान में मतलब ऐसा है कि अभी ऑडिशन देने हैं मुझे ना, अभी रिसेंटली ऑडिशन है तो उसका भी प्रैक्टिस चल रहा है मेरा, डायरेक्ट ऐसा रिवील नहीं करना चाहता मैं, तो अभी आते आते मतलब चल रहा है अभी लाइफ में ना, आपको पता चलते जाएगा ना मेरे ब्लॉग में और मेरे मतलब यूट्यूब चैनल में, तो ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहो ना। और सेकंड क्वेश्चन ये था, कैन यू शेयर एनी टिप्स एंड टेक्निक फॉर इम्प्रूविंग डांस स्किल। अभी ऐसा स्किल तो आपके ऊपर डिपेंड रहता है कि आपको है ना टेक्निक कैसे करना है ना, अगर आप किसी को मतलब देख के सीखे हो, जैसे कि आपको कोई आइडियल इंस्पिरेशन है तो उसको देखो है ना, और उसके जो स्टेप्स है उसको मॉडिफाई करके अपने स्टेप बनाओ, तो ये है जो टेक्निक एंड स्किल है ना। अगर आप डांस क्लास नहीं जाते तो आप YouTube से भी सीख सकते हो ना, YouTube में बहुत सारे है जो डांस क्लासेस लेते हैं ना, मतलब आप स्टेप बताते हैं, तो वहाँ से भी मतलब आप सीख सकते हो, Instagram में भी सिखा रहे हैं आजकल, तो हर जगह से सीख सकते हो आप है ना। तो सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, प्लीज स्टार्ट अ डांस ट्यूटोरियल्स फॉर बिगिनर्स। सो तो हाँ, ये था मतलब तीन चार कमेंट मतलब आए थे मुझे ना हर मतलब मेरे वीडियो में कि आप है ना ऐसा डांस ट्यूटोरियल स्टार्ट कीजिए, तो मतलब मैं कन्फ्यूज हो रहा था कि क्या करूँ है ना, मतलब स्टार्ट करूँ कि भी नहीं। तो अगर आप लोग सब लोग अगर कमेंट में कहोगे कि ना हाँ कि मतलब डांस ट्यूटोरियल लो करके ना, आप लोग कमेंट कीजिए ना, अगर बहुत सारे लोग ने अगर कमेंट किया कि हाँ डांस ट्यूटोरियल ना स्टार्ट कीजिए, तो मैं डेफिनेटली लूँगा है ना, तो कमेंट करना है ना, कमेंट देख के फिर बताऊँगा कि मैं स्टार्ट करूँ कि नहीं है ना। तो चलो सो आज के क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गए ना, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। आई नो कि ये मतलब Q&A वीडियो इतना खास नहीं था, बट मतलब मेरे लिए बहुत खास था क्योंकि मेरे 5K मतलब सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ना, और कमेंट भी करना अगर आपको डांस ट्यूटोरियल चाहिए ना, अगर आप ऐसा चाहते हो कि मैं अभी डांस क्लास स्टार्ट करूँ मतलब यूट्यूब चैनल में, तो मुझे बताइए ना, तो कमेंट कीजिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।